साथियों नमस्कार, माई सेल्फ रंजन यादव फ्रॉम मोतिहारी बिहार। अब समय धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता जा रहा है और आने वाला जो समय है, हमारा जमाना है, पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर आधारित होने वाला है। अब इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन का सबसे बड़े स्तर पे यूज होने जा रहा है। हर फील्ड में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। आइए थोड़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हैं और साथ में कुछ बिटकॉइन को भी समझते हैं। 2008 में ब्लॉकचेन की शुरुआत होती है और 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत होती है। और 2009 में जब बिटकॉइन की पहली शुरुआत होती है तो उस समय उसका रेट 1 रुपये से भी कम होता है, मगर फिर भी हम 1 रुपये उसे मान लेते हैं। जरा गेस कीजिएगा कि 2009 में जो चीज़ें 1 रुपये का मिल रहा था, आज 2024 यानी 15 साल के बाद भी वो 1 रुपये का चीज़ कितना वो रिटर्न दे सकता है। जरा अनुमान लगाइए एक बार यार कि 1 रुपये का चीज़ 15 साल में कितने गुने का रिटर्न दे सकता है। एक बार अनुमान आप लगाइए। आई होप कि आप अनुमान लगा चुके होंगे। अगर नहीं लगा है तो जाइए और गूगल पर सर्च कीजिए कि बिटकॉइन करेंट प्राइस क्या है। तो आज के डेट में भी बिटकॉइन का जो करेंट प्राइस चल रहा है लगभग $67,000, यानी इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 60 लाख रुपए एक बिटकॉइन की कीमत। यानी इतने बड़े रिटर्न ना ही कोई स्टॉक मार्केट दे सकता है, ना ही बाकी कोई भी इंडस्ट्री आपको इतने बड़े रिटर्न दे सकता है। अगर इतने बड़े रिटर्न कोई दे पाया तो बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन। ये पावर है क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को बताया गया होगा बिटकॉइन के बारे में और बहुत सारे लोगों ने इसको बबल बोला, स्कैम बोला, बोला कि क्रिप्टो बंद हो जाएगा। लेकिन आज बिटकॉइन छलांग लगा रहा है, आज 60 लाख को चल रहा है। और याद रखिएगा, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में एक बिटकॉइन की कीमत आपको 1 करोड़ रुपए भी देखने को मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। लेकिन बात है कि अब ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से निकल चुकी है और साथ में गवर्नमेंटल इशू भी बहुत सारे लोगों को आता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगाया, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी से बैन को हटा दिया, 2021 में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लागू किया गया और आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स चल रहा है। और जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, बाय सेल करते हैं, उसके ऊपर TDS पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो ये पूरी तरीके से इंडिया में लीगल है, इलीगल कहीं से भी नहीं है। जो लोग भी आपको ये बोलते हैं कि इलीगल है इंडिया में, ये बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरीके से लीगल रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि ये बिटकॉइन क्या बिटकॉइन में ही मिल सकता है? नहीं। जैसे बिटकॉइन ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बिटकॉइन के बाद हजारों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया और जिसने बहुत अच्छे रिटर्न दिया और साथ में उसमें कुछ स्कैमर भी आए जो कि स्कैम करके चले गए। बिकॉज जहां पे अपॉर्चुनिटी होती है वहां स्कैम की अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है, स्कैमर्स की भी। लेकिन इसी बीच में हम सभी को जानकारी इकट्ठा करना है और जानकारी इकट्ठा कर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। बिटकॉइन हम सभी के हाथ से निकल चुका है, हम उतने बड़े रिटर्न अब बिटकॉइन में नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोबारा से ऐसा मौका मिले कि बिटकॉइन की तरह दोबारा से आपको रिटर्न कमाने का, तो क्या आप पैसा लगाना चाहेंगे? क्या वो रिटर्न लेना चाहेंगे? शायद आपका आंसर होगा यस। तो आइए मैं बताता हूं अब मेटाफोर्स की खुद की क्वाइन फोर्स क्वाइन के बारे में। मेटाफोर्स की जो फोर्स क्वाइन है वो डेका हालविन प्रोसेस के थ्रू इसका हालविन हुआ है। फिलहाल में 24 अप्रैल 2023 को फोर्स क्वाइन लॉन्च हुआ था, मल्टी माइनिंग के थ्रू इसका माइनिंग हुआ और साथ में अभी तक 1 साल इसको कंप्लीट हुआ है और 1 साल में 11 गुने का रिटर्न दे चुका है। यानी 25 सेंट से स्टार्ट हुआ था एक फोर्स कॉइन की कीमत और आज के डेट में एक फोर्स कॉइन की कीमत $2.77 है। यानी इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 21-22 रुपए से स्टार्ट हुआ था फोर्स कॉइन, एक फोर्स कॉइन की कीमत, और आज के डेट में 260 रुपए का रेट चल रहा है। यानी 1 साल में 11 गुने का रिटर्न दे चुका है। और सिस्टम का ये कहना है कि आने वाले कुछ वर्षों में
एक फोर्स क्वाइन की कीमत 20 लाख से प्लस को देखने को मिलेगा। इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि इसकी सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम सप्लाई है, लगभग 43 करोड़ की इसकी सप्लाई है। और साथ में इसका जो रोड मैप है, इसका जो यूज केसेस है, डिमांड है, वो बहुत ही ज़्यादा हेवी है, क्योंकि मेटाफोर्स एक इकोसिस्टम है, मल्टीपल प्रोजेक्ट वाला ये बिजनेस है। अब मल्टीपल प्रोजेक्ट में फोर्स क्वाइन का यूज बहुत ही बड़े स्तर पे होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि एक लिमिटेड सप्लाई के साथ में है, डिमांड बहुत ही ज़्यादा जब हेवी होगा तो इसका रेट बहुत छलांग मारेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेटाफोर्स हमेशा यूनिक के लिए जाना जाता है, यानी ये ICO फेस में यानी प्राइवेट सेल में मल्टी माइनिंग हुआ था और 11 गुने का रिटर्न दे चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी मार्केट में फोर्स क्वाइन प्राइवेट ही है, किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, फिर भी ए P2P ऑप्शन के थ्रू लोगों को बाई और सेल करने का ऑप्शन दे चुका है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि पूरी फोर्स क्वाइन अपना बेच के पैसा कमा ले, निकाल ले, लोग निकाल रहे हैं और पिछले एक महीने से लगभग निकाल रहे हैं। यानी 11 गुने का रिटर्न देने के बाद पूरी तरीके से सिस्टम ओपन कर चुका है कि अगर 11 गुने में आप सेटिस्फाइड है तो आप लेकर जाइए, यानी सेल आउट कर लीजिए और आप बेनिफिट कमा लीजिए। लेकिन सिस्टम का कहना है कि आने वाले कुछ वर्षों में एक फोर्स क्वाइन की कीमत 20 लाख से भी प्लस जाने वाला है। यानी अभी जो रेट मिल रहा है वो रेट भी बहुत मिनिमम है, तो अभी भी चांस है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि इसको पकड़िए, क्योंकि आने वाले टाइम में एक फोर्स क्वाइन बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। बिटकॉइन मिस किए हैं, फोर्स क्वाइन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़े लेवल का रिटर्न देने वाला है। तो फिर से एक बार विचार कीजिएगा कि 2009-2010 में जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी, आज दोबारा मिल रही है, क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहेंगे? अगर उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहते हैं तो जरूर डिसीजन लीजिए और कांटेक्ट कीजिए। जो लोग ये वीडियो आपको भेज रहे हैं, जहां से भी आप ये वीडियो भेज रहे हैं, कॉन्टेक्ट कीजिए और इसको मिस मत कीजिएगा, जरूर आप इन्वेस्ट कीजिएगा फोर्स क्वाइन में, क्योंकि आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का है, ब्लॉकचेन का है, हर फील्ड में आपको ब्लॉकचेन यूज करना पड़ेगा आने वाले समय में। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।